सिंगरौली, माननीय सांसद श्रीमती रीति पाटकर जी, विधायक सिंगरौली श्री राम लल्लू वैश्य, विधायक देवसर श्री सुभाष रामचरित्र वर्मा, कलेक्टर सिंगरौली श्री राजीव रंजन मीना एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री साकेत मालवीय द्वारा दीप प्रज्वलन कर संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ, जहां पर मंच में दुबे बंधु ग्रुप द्वारा संत शिरोमणि रविदास जयंती पर मनमोहक भजन प्रस्तुत किया गया। माननीय सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य द्वारा सभा को संबोधित करते हुए संत शिरोमणि रविदास जयंती पर प्रकाश डालते अपने उद्बोधन में कहा कि संत रविदास जी के चरित्र का हम सभी को अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए, जिससे हम सबके जीवन में सुख का अनुभव होगा और हम सभी सुख शांति भाईचारा के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। सिंगरौली मध्य प्रदेश से पुष्पजीत साहू की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आज हम सब महान संत के जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनको हम संत रविदास जयंती। आज कितने वर्षों की बात है, हम सब मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से आज इस आयोजन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री, इस क्षेत्र के सीधी सिंगरौली के लोकप्रिय सांसद, लोकप्रिय विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, कार्यक्रम में हमारे जिले के कलेक्टर आदरणीय राजीव रंजन मेढा जी, जिला के जिला पंचायत सीओ आदरणीय साकेत मालवीय जी, कार्यक्रम में हमारे बैठे आदरणीय सीमा जसवाल जी, भाई राम श्रवण सहवाल जी, कार्यक्रम में हमारे विनोद चौबे जी, मुकेश तिवारी जी, संदीप शुक्ला जी, कार्यक्रम में पीछे बैठे हमारे लक्ष्मण प्रयाग जी, आदरणीय हमारे जनपद